रतनलाल सी बावना ज्वेलर्स, जहां विश्वास ही परंपरा है। यह आंदोलनों का दौर है, लेकिन लगता है यहां कोई सुनने वाला नहीं है। दिल्ली में किसान आंदोलन कर रहे हैं, सरकार उनकी सुनती नहीं। जलगांव में मनपा के कई दुकानदार आंदोलन कर रहे हैं, यहाँ उनका कोई सुनता नहीं। मामला कई सालों से चलता आ रहा है। मनपा कहती है दुकानदारों से हमें पैसा लेना है। दुकानदार कहते हैं जो वाजिब है वो हम देने के लिए तैयार हैं। कई नेता, मंत्री, विधायक सभी ने बीच बचाव करके देख लिया, नतीजा कुछ निकलता नहीं है। सिर्फ आश्वासन के दम पर लोग विधायक बन रहे हैं। अब मनपा के कई मार्केट्स के दुकानदार जिलाधिकारी दफ्तर के सामने पिछले कई दिनों से आंदोलन कर रहे हैं, जिसमें रविवार को उनके परिवार के लोग भी शामिल हो गए और महिलाओं की आंखों में आंसू थे, जिसके गिरने पर सरकार को शर्मसार हो जाना चाहिए। अबे आता तू हंसा दे, दुकाने खाली करा भी खाऊ का, उनकी घर नहीं, दार नहीं, दुकान नहीं, कहीं नहीं, क्या खाऊ आमी? अब के पूरा ना खाए खाऊ गालो, नौकरी दिया नहीं तो मैं तो पूरा सीख ले ला दिया तुम्हें नौकरी। दोन वर्ष पासून आम्ही रिकामी बसलेले, तुम्ही 4-4 लाख ते भाडा देता, तुम्हाला काही वाटतं का? कुठून बरं आम्ही खायला नाही आम्हाला तो। यूं तो बहुत सारे घोटाले बाजों के कर्ज माफ कर दिए गए हैं, कई लोग तो घोटाला कर देश छोड़ चुके हैं। यह दुकानदार आपके सामने अपनी मांग को लेकर बैठे हैं, जो थोड़े थोड़े पैसे चुकाने के लिए भी तैयार हैं। तो फिर आप इन लोगों को इग्नोर क्यों कर रहे हैं, यही सरकार से सवाल है। जलगांव से जकी अहमद के साथ आनंद शर्मा की रिपोर्ट, इंडिया अब तक न्यूज के लिए।